ओके स्टूडेंट्स, जो हमने कल डिस्कशन की थी दैट इज रिगार्डिंग जंपिंग स्टेटमेंट. ठीक है, जंप स्टेटमेंट में हमने किया था एक ब्रेक स्टेटमेंट, सेकंड वन इज कंटिन्यू. So, कल हमने डिस्कस किया था ब्रेक स्टेटमेंट, इट टर्मिनेट दी लूप. ठीक है, वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. और अगर आप यूज करते कंटिन्यू, ये कौन सा पिक्चर, जो कल हमने प्रोग्राम बनाया था ब्रेक का, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे. यस्टरडे वी डिस्कस की इफ आई एम इंप्लीमेंटिंग ए लूप, टेन टाइम्स हियर आई यूज द वर्ड ब्रेक एंड हियर प्रिंट आई. सो इन प्लेस ऑफ टायर डिस्प्लेइंग ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 0 to 9, इट विल टर्मिनेट द लूप और हमारी स्क्रीन के ऊपर कोई भी आंसर नहीं आएगा. क्लियर, क्योंकि हम आपने क्या कर दिया, लूप को फोर्सफुली टर्मिनेट कर दिया. So look at here, there is no any answer. ठीक है, क्योंकि forcefully termination is there. But in the case of continue, it skip one statement. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे continue लगाऊंगा तो loop चलता रहेगा, पर हर बार क्या होगा, एक iteration skip होती रहेगी. तो कल भी हमने इसकी practical करके देखा था इसका. तो next is okay students, these are in your syllabus jumping statement, continue and break. Next is in case if you are using a loop inside a loop, that is called nested loop. theek hai, aaj hum kya karenge, nested loop ka ek concept karenge. So I am taking one loop, another I am taking another loop for j in range 5. Now in this I print j, or kyunki I don't want to change the line, I am taking here and and after that I use here print empty statement. I am saving this
So look at here, answer is total 10 time 0 to 4. ठीक है, ऐसा क्यों आया ये हम डिस्कस करते हैं. हियर वैल्यू ऑफ आई इज इन बिगिनिंग इट इज 0 और हमें बताया कि आई ने कहां तक जाना है, अप टू 9 तक. तो इट विल बी 0 हियर. नेक्स्ट टाइम आइटरेशन में 1 होगा, देन 2, 3 एंड लाइक 9. क्लियर. नेस्टेड लूप का एक फीचर है कि जब नेस्टेड लूप कंप्लीट होता है, नेक्स्ट टाइम फिर से चलता है तो वो बिगिनिंग से चलता है. तो देखो बट जब आई हमारे पास 0 था, आई इज 0, लूप चलेगा. इनसाइड द लूप देयर इज अनदर लूप. अब जी की बिगिनिंग वैल्यू क्या आएगी, 0, देन 1, 2, 3, 4. इसका मतलब ये हुआ जब आई 0 था, जे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा. देन इंटरनल लूप ये डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर, 1, 2, 3, 4. इंटरनल लूप टर्मिनेट होगा, बंद हो जाएगा, कंडीशन कंप्लीट हो गई. अब उसके बाद ये वापस जाएगा आई के ऊपर, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. अब जब हम यहां पे आएंगे, जे फिर से क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा. इज इट क्लियर. नेस्टेड लूप जब सेकंड आइटरेशन होती है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है. इसका मतलब अब जे की वैल्यू बिगनिंग में क्या होगी, 0, देन नेक्स्ट टाइम 1, देन 2, देन 3, देन 4, और उसके बाद इंटरनल लूप ब्रेक होगा. क्लियर. एंड आफ्टर दैट आई विल बी, यस इट विल बी 2. ठीक है, पहले क्या था 1, अब क्या हो जाएगा 2. अगेन इंटरनल लूप, जे क्या होगा, 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4. इन दिस वे इट विल बी अप टू 9 टाइम इट विल डिस्प्ले 0 to 4. सो व्हाई यू यूज दिस एम्प्टी प्रिंट, जैसे ही ये यहां तक डिस्प्ले कर देगा उसके बाद वी नीड लाइन ब्रेक. तो हमने क्या कर दिया, प्रिंट एम्प्टी प्रिंट लगा दिया, इससे लाइन ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि यहां पे लाइन ब्रेक नहीं हो रही. वी आर नॉट ब्रेकिंग द लाइन हियर बिकॉज वी आर यूजिंग डिस्प्लेइंग दिस डेटा इन सेम लाइन. सो दिस इज योर नेस्टेड लूप. नाउ टेल मी, इन प्लेस ऑफ आई, इफ आई एम टेकिंग हियर, हियर इज जे, जे की जगह मैं आई ले लूं, तो मेरे आउटपुट में क्या डिफरेंस आएगा. एनी स्टूडेंट थिंक अबाउट दैट. ये देखो कि इंटरनल लूप कितनी बार चल रहा है, यस टोटल 5 टाइम्स. तो 5 टाइम्स हम क्या डिस्प्ले करेंगे, आई को. तो आई की वैल्यू कितनी है, 0. इट मींस 0 टाइम, 5 टाइम 0, देन 5 टाइम 1, फिर 5 टाइम 2, 5 टाइम 3, 5 टाइम 4, अप टू 5 टाइम 9. ये एग्जीक्यूट करके देखते हैं. So look at here. Concept is clear. Online students, any doubt here? Isha? No, sir. Okay, beta. Now, here, if I'm using here, A in I into J. Now tell me what will be the result. First time 0, 0, 0. Second time, yes, क्योंकि j की वैल्यू 0, 1, 2, 3 है ना, 4, 4.
तो वन से मल्टीप्लाई हुआ तो एस एज इट इज हो गया, ठीक है। जब टू से मल्टीप्लाई होगा, जीरो इंटू टू जीरो, जीरो इंटू वन टू, फिर फोर, फिर सिक्स, लाइक दिस, ठीक है। मैं एग्जीक्यूटिंग दिस, क्लियर, कंसेप्ट इज क्लियर, ओके। Now, who will tell what will be the answer? So we are displaying star, the four times star in each line. Okay. Clear? अब आपने बड़े ध्यान से इसको देखना है कि थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, आई यूज योर आई, नहीं सेम नहीं आएगा यहां पे, ठीक है। और आई एम डिस्प्लेइंग योर जे, ठीक है। आई एम रनिंग दिस कोड एंड आफ्टर दैट we will find out कि answer ऐसे क्यों आ रहा है इसका। Answer is this: 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4, like this, ठीक है। एक step पीछे ना मैं बताता हूँ कि कैसे आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी आउटपुट, व्हाई द आउटपुट इज डिफरेंट, ठीक है। देखो हमें, वी नो दैट आई विल बी 0 to 9, जे विल बी, अब हियर जे इज डिफरेंट हियर, लुक एट हियर, यहां पे हमने 1 से शुरू किया है, लूप 9 तक जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है ना। अब हमने यहां पे क्या कर दिया, ये 0 से शुरू हो रहा है और एंडिंग वैल्यू आई है, तो आई हमारे पास यहाँ पे, ये फर्स्ट लाइन तो खत्म ही हो गई, ये तो आना ही नहीं थी, ठीक है। आई हमारा 1 से शुरू हुआ था, ठीक है, तो हमने 0 से स्टार्ट किया, आई है 1, रेंज हमेशा 1 स्टेप पीछे चलती है, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए, 0 एंड 0, स्टार्टिंग भी वही, क्लोजिंग भी वही, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग 0 है, क्लोजिंग भी 0, इट मींस सिंगल टाइम ये क्या डिस्प्ले करेगा, जे की वैल्यू, जो जे की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सिर्फ 1, सॉरी 0, इसे सिंगल 0 डिस्प्ले की। नेक्स्ट टाइम ये लूप ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई। नेक्स्ट टाइम जब आपके पास आई की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 आ गया, इसका मतलब लूप चलेगा 0 1, एंडिंग वैल्यू है ना बेटा यहाँ पे जे, जे इज 2, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 आ गया, तो इसका मतलब लूप 2 टाइम चलेगा 0 एंड 1, और ये क्या डिस्प्ले करेगा, जे की वैल्यू, दैट इज 0 1, तो स्क्रीन में पहले 0 आया था, आफ्टर दैट इट इज 0 1, थर्ड टाइम आई की वैल्यू 3 है, तो लूप चलेगा 0 1 2, क्लियर। तो उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू इज 4, आई विल बी 0 1 2 3, लाइक दिस, कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। और जब आई की वैल्यू 9 होगी, ठीक है, तो लूप 8 तक जाएगा, क्लियर। तो 0 1, it will be up to 8, clear, please note down the this coding।
Himanshu, any doubt here? No, sir. Okay, beta. Note down the coding, beta. Krish, in place of J, if I am using here I, फिर क्या आएगा? तो loop कितनी बार चला? First time loop कितनी बार चला? One time ना? One time क्या display करेगा? One. फिर two time two. फिर three time three. फिर four time four. करके देखिए इसको. So look at here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, clear. So this is the concept of a nested loop. Or if I am displaying here star, तो वैसे आएगा single time, two time, three time. अब यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं लूप को चला रहा हूं 10, 1, decrement is minus one, ठीक है. और अब यहां पे सेम, ठीक है, सो लुक एट पैटर्न, ठीक है, रिवर्स में चला गया वो. तो यहां पे था I की वैल्यू 10 थी बिगिनिंग में, जब तक वो वैल्यू 2 तक नहीं जाती हर बार डिक्रीमेंट लगेगा. और J की वैल्यू 0 है वो जब तक I से लेस देन I तक नहीं जाएगी, ठीक है, तो वो 0 से लेकर 9 तक डिस्प्ले करेगी, ठीक है. I की वैल्यू फिर से डिक्रीज हो जाएगी, फिर वो 8 हो जाएगी, लाइक दिस, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है आपके पास. तो पैटर्न इज सेम बट हमने किसी को क्या कर दिया, रिड्यूसिंग. नोट डाउन दिस पैटर्न.
So this is the concept of nested loop. So let us discuss some more output program discuss करते हैं. जैसे आपके paper में अगर MCQs paper हो गए तो there will be output program. नीचे four choices will be there. ठीक है? तो हम आप क्या करते हैं कुछ output program discuss करते हैं. So here find out the output of solving. Okay, so it's here I am giving because here is a input command. So input command depend on the user to input the value. So main yahan pe ek hint de raha hu. If the inputted values are R 10 -5 0 6 -7, what will be the output? Okay. So in paper there, if there is an MCQs question, there will be choices are will be there, but here I am not giving any choice. You will have to give the answer what will be the value of A, B, C. Yes, Himanshu. Excuse me, sir. Yes, बच्चे. तो एक बार समझ नहीं आ रही. बेटा आपके पास ये कोडिंग गिवन है, ठीक है? आपने बताना है इसमें आउटपुट क्या आएगी, ठीक है? और जो इनपुट जो हमने वैल्यू इनपुट करवाई है एक्स की, वो एक्स की वैल्यू फर्स्ट, क्योंकि आइटरेशन 5 times चलनी है, 5 times इनपुट आएगी. तो फर्स्ट टाइम इट इज 10, नेक्स्ट टाइम इट इज -1, देन 0, देन 6, देन -7, ठीक है? अब आपने बताना है कि हम आपके पास ए बी सी की रिजल्ट द फाइनल वैल्यू व्हाट विल बी इन योर रफ वर्क. Make the calculations.
That's it. गुड बेटा, अब ये देखो बेटा, हमें लूप हमें पता है 5 टाइम चल रहा है, ठीक है? तो इट विल बी 0 to 4. हम यहाँ पे x की वैल्यू इनपुट कर रहे हैं. यस, x इज 10 हियर. हमने कंडीशन क्या लगाई, इफ x लेस देन 0, इट मींस इट इज एन एक्टिव वैल्यू. तो एक्टिव वैल्यू वो है नहीं. वी आर कमिंग टू द सेकंड स्टेज, क्योंकि दिस इज इफ एल्स इफ. It come to the second stage if first condition is false. It come to the second. If second is false, go to the third. Okay? X is 0? No. It means else portion will be implemented. C pehle 0 tha, usme 1 ka increment lag gaya. Okay? Next time, ab C hamare paas kya ho gaya? 1. Main yahan pe plus karke 1 likh raha hu taki aapko concept mein problem na aaye. Next time, iteration fir se chali. ठीक है, फिर से हमने इनपुट ली, दैट इज -5. ओके, इट इज लेस देन 0. यस, इट इज लेस देन 0. सो देयर विल बी वन इंक्रीमेंट इन ए. सो ए विल बी हियर इंक्रीमेंटेड बाय 1. देन थर्ड टाइम लूप विल बी एग्जीक्यूटेड अगेन. वैल्यू इज 0. इट इज लेस देन 0. नो, इट इज 0. यस, इंक्रीमेंट इन नीचे वाली एग्जीक्यूशन नहीं होगी कि इफ एल्स इफ यूज कर रहे हो आप. नेक्स्ट इज 6. हियर लेस देन 6, नो. 0, नो. एल्स वाला पोर्शन इंप्लीमेंट हुआ, सी में इंक्रीमेंट लग गया. देन इट इज -7. हियर यस, ठीक है, इंक्रीमेंट इन ए. So final value of A is 2, value of B is 1, value of C is 2. So it will display 2, 1, 2. Clear? This is your concept. इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं. Clear? So हर सिमर, it's clear? Okay बेटा. Okay, yes बेटा. Himanshu. समझ आ गया बेटा आपको? हाँ जी. सर एक और मैंने नहीं. यस बेटा. सर प्रैक्टिकल क्लास का लेक्चर एक्स्ट्रा है कि कल प्रैक्टिकल क्लास है? प्रैक्टिकल क्लास में बेटा आपके पास प्रैक्टिकल पीरियड होगा प्रॉपर. सो आई विल डिस्कस लेटर ऑन बेटा. आई एम क्लोजिंग मीटिंग बिकॉज़ पीरियड इज ओवर. जी सर.